आज देश की बेटी मीराबाई चानू ने देश का नाम रोशन किया है, दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया है। वेटलिफ्टिंग में चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उनसे सीधे फोन पर बातचीत की। मेडल जीतने के बाद खुशी जाहिर करते हुए चानू ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूं पंकज कुपाही और आज टोक्यो से सबसे बड़ी खुशी आई हमारे पास जब मीराबाई ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता और हर तरफ देश में मीराबाई का नाम चल रहा है। मीरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू। विजय जी, जिस तरह से आपने मेहनत करवाई है और आज सबसे पहले आप मेडल दिखाइए, पूरा देश मेडल देखना चाह रहा है। मीरा जी, आपका सबको ये मेडल ओलंपिक का। मीरा जी, जो चेहरे पे आपके मुस्कान है ना, पूरे देश के चेहरे पे मुस्कान आ गई आपकी इस मुस्कान की वजह से। थैंक यू सो मच। आप थकी भी बहुत ज्यादा है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस समय आप मुकाबले में जा रही थी उस समय आपके मन में क्या था? आपको था कि सिल्वर आ रहा है, आपको था कि मैं गोल्ड की तरफ जाऊंगी, कि उस समय मन में क्या था? हाँ, मैं कोशिश तो बहुत किए थे और गोल्ड मेडल जीतने के लिए। मैंने स्नेस में लास्ट लीप में नहीं कर पाई तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ मैं सिल्वर तो है, पर मैं क्लीन एंड जंप में मैंने ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए मैंने पूरा ट्राई किया था पर वो नहीं कर पाई। पर सिल्वर मेडल तो मुझे पक्का स्नेस में थी ही, मैं पता चल गई थी मैं इसने सिल्वर तो हो गया है, पर मैं गोल्ड के लिए मैंने बहुत फाइट किया था। जब आप सिल्वर मेडल जीती तो उस समय मन में क्या था? चेहरे पे मुस्कान थी और पूरा देश आपको देख रहा था, आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? उसी टाइम पे मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे सपने थे ओलंपिक का मेडल जीतना, सब लोगों के सपने थे, तो आज पूरा हुआ है तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है। प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे? सर ने मुझे डायरेक्टली कॉल करके बधाई दी थी, तो मुझे सपना जैसा लगा था कि सर ने मुझे कॉल किया है, हमारी प्राइम मिनिस्टर जी ने मुझे कॉल करके बधाई दिया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। पूरा सपना जैसा लगा था मुझे, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सर भी बहुत खुश हुआ, पूरा दुनिया खुश हुआ है ऐसा बोल रही थी सर। तो मैंने भी बोला सर आपकी वजह से मैंने आज मेडल जीत पाया है, तो सर भी बहुत खुश हुए। आपके दोनों कोच आपके साथ हैं, विजय जी संदीप जी। संदीप जी तो मेरे पंजाब से आते हैं, पूरी मेहनत संदीप जी और विजय जी ने करवाई है। कितनी ट्रेनिंग थी, कितने घंटे आप ट्रेनिंग करती थी, क्या क्या खाती थी, क्या कुछ करती थी और क्या आपके सपने थे वो आपको छोड़ने पड़े इस ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग तो हमने दिन में हम 3 बार ट्रेनिंग किया है, हमने 7 आवर्स पर डे में हम किया है, तो हमने बहुत मेहनत किया है। सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे डाइट में भी बहुत सारे, और हमने बहुत कुछ सोना पड़े कि सेक्रीफाइस करने पड़े क्योंकि मैं यही तक पहुंचने के लिए डाइट में बहुत चीजों नहीं खाना पड़े, सिर्फ ट्रेनिंग में भी फोकस और डाइट में चूज के हम खाने के लिए वो सब किया है। तो ऐसा होता है कि एक प्लेयर्स हो तो डाइट में सारी चीजों में हम बहुत सारी सोच समझ के खाना और रहना पड़ती है, तो सिर्फ मैंने ट्रेनिंग और खाना और रेस करने में फोकस किया था, तो इसकी वजह से। क्योंकि आप मणिपुर से आती हैं, एक छोटे से वहां से उठकर टोक्यो तक पहुंचना, उस रास्ते में कोई ऐसा सफर, ऐसी कोई बात जो आपको हमेशा याद हो, शुरुआत में आपको रोका गया जब 2014-15 में आप भार नहीं उठा पाई, उस समय आपने सोच लिया था कि मैं ये गेम छोड़ रही हूँ, मैंने नहीं इस गेम में आना, शुरुआती दौर में क्या दिक्कत थी आपको? सबसे पहले तो रियो ओलंपिक में भी मेरा पूरा सपना थे सर का भी, हमने बहुत मेहनत किया था साथ में, बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया था रियो के लिए,
उसी में भी हमने जो ट्रेनिंग में किया था तो सेम रियो ओलंपिक में किया हो तो मेरा सिल्वर मेडल थी, पर उसी दिन मेरा दिन नहीं थी तो हम मेडल मिस हो गई थी पूरा इंडिया के लिए, तो हम काफी दिन हम दुखी हुई थी, कुछ खा नहीं पाए थे तो बहुत दुखी हुआ था। हमने इतना मेहनत करने की बात भी हमने मेडल मिस हुआ तो उसकी बात हमने बहुत डिस्कस किया ट्रेनिंग में, बहुत चेंज हुआ। सिर्फ सर ने भी मुझे समझाया था कि अभी सिर्फ खत्म नहीं हुआ है, बहुत आगे और भी बहुत सारे कर सकते हैं, तो मुझे भी बात में रेस हुआ था कि हाँ मुझे कुछ कर सकते हैं। तो उसी सामने हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप थे 2017 में, तो उसी में मैंने कुछ करके दिखाना है सर का, जो भी हमारी रियो में फेल हुआ है उसको वर्ल्ड में मैंने करके दिखाऊंगी ऐसा सोच के मन में। तो हमने ट्रेनिंग बहुत अच्छा किया था तो वर्ल्ड चैंपियन हुई थी, तो धीरे धीरे हम सब परफॉर्मेंस में भी काफी चेंज हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या बोला जब आपकी बात हुई, बधाई तो दी, उन्होंने स्पेशली कोई बात बोली आपको? ऐसे कोई खास नहीं, सिर्फ बधाई देता तो बहुत खुश हुआ है आपने सबसे पहला ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का आपने नाम इंडिया के नाम को ऊपर किया है, तो ये बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत अच्छा गेम खेला है, तो यही बोली थी सर ने। जब आप ट्रेनिंग कर रही थी बहुत कुछ ऐसा खाने वाला होगा जो आपने मिस किया होगा, आपने नहीं खाया होगा, लेकिन अब सबसे पहले क्या खाएंगी जो आपकी फेवरेट चीज है कि अब मैं ये खाऊंगी, मैंने मेडल लेकर आई हूँ? मैंने बताया था मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। अब हम सर डिनर करने जा रहे हैं, हम पिज्जा खाने जा रहे हैं। संदीप पाजी परांठे खिलाओगे क्योंकि पंजाब च रहे ने और भंगड़े पै रहे ने, पंजाब च भंगड़े पै रहे ने। दो चीजें पूछूंगा, एक तो वो एक डायलॉग है ना, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है के, वो आप सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नहीं, मैं कह सकता हूँ कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है के। और ये मीराबाई ने प्रूव किया पाजी, आकाश पाजी, कि हमारी लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मीरा भी गुजारिश करेगी कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हम स्पोर्ट्स में लगाएं, जिससे कि हमारे बच्चों को एक तो सेहतमंद रहने का एक सिस्टम मिले और वो देश का नाम भी रोशन कर सके। अच्छा मीरा जी, लास्ट में ये बता दीजिए, जाते जाते देश को क्या कहना चाहेंगी आप, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, स्पेशली जो फैमिली आपको देख रही है, क्योंकि पूरा देश पे आज चेहरे पे मुस्कान है और सिर्फ आपकी वजह से है। वही से मैं भी बोलूंगी, लड़की लड़कों से कम नहीं है, सच बोलू तो लड़कों से लड़की ज्यादा पावर होते है। तो मैं ये खास फैमिली को ही मैं बोलना चाहती हूँ कि फैमिली काफी लोग होते हैं कि लड़की सिर्फ पढ़ाई करने है, गेम्स में नहीं जाना, गेम्स में जाके क्या करना है, वो सब सॉरी है, लड़की जो है वो उसकी मन में क्या है, क्या करना चाहती है, उसको सोच के गेम में भेजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। उनको सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट नहीं हो तो हम आज तक ये पहुंचे हैं, ये नहीं कर पाते। तो मैं खास में फैमिली को रिक्वेस्ट करती हूँ, सारी फैमिली प्लीज इन लड़कियों को गेम्स में जो भी गेम्स पसंद है उसको भेजिए और सपोर्ट कीजिए। आपको याद है आप जब जा रही थी तो मेरे सहयोगी हैं उमेश, उनको आपने अपनी लैंग्वेज में गाना सुनाया था जाने से पहले। कौन सा? उमेश को आपने गाना सुनाया था, लोकल लैंग्वेज में आपने गाना सुनाया था, और आज पूरा देश जब झूम रहा है तो आप वही दो लाइनें गुनगुनाना चाहेंगी? हाँ, वही बचपन का खाना गाना मैं ही याद करती हूँ, वही गाती हूँ कि चेंज हो रही है ये ऐसा। तो खन खन खमो देखो हो करे मतम दो, कलक इको कलक ई भी जा सकी, यही न सुन खत न चैना मफी लड़ी तमी नर चंगो मंदे तंदे मंदे तंदे इडा,
थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने समय दिया और पूरा देश आपको सैल्यूट कर रहा है। सलाम है आपको न्यूज 18 की तरफ से।